देखूँ जो कि है मीरामार। तो पहला मैच जीत चुका था टीम नॉर्थ ऑफिशियल, तो देखते हैं दूसरा मैच कौन सा टीम जीतता है और ये प्राइज मनी जो है इस वीकली टूर्नामेंट का वो कौन सा टीम लेने के लिए कामयाब होता है। यहाँ पे फ्लाइट आ चुका है, फ्लाइट पाथ देखते हैं। फ्लाइट पाथ है तोरे अहमदा से लेकर लॉस हिगोस के तरफ। सो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ प्लेन आते हुए, सो यहाँ पे काफ़ी सारे हॉट ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हसियंदा, पेकाडो, लॉस लियोनिस और एल पोजो भी जा सकते हैं। टीम यहाँ पे टीम 69 पहले ड्रॉप लेते हुए दिखाई देते हुए कैंपो मिलिटार के तरफ, उनके साथ टीम जेड ओपी भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी गाइज, ये सेकेंड मैच कौन सा टीम अपने फेवर में लाता है। सो टीम नॉर्थ ऑफिशियल पहला मैच काफ़ी अच्छा खेल के अपने लिए चिकन डिनर निकाले थे, सो देखते हैं दूसरा मैच में किसका पल्ला भारी होता है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फाइट, लेट्स सी गाइज। यहाँ पे टीम 69 टीम जेड ओपी और उनके साथ साइड से और एक टीम, यहाँ पे टीम डार्क एल जाते हुए एक साइड, यहाँ पे ईस्टर्न साइड के तरफ यहाँ पे टीम नॉर्थ ऑफिशियल एल अजहर के तरफ जाते हुए टीम एल एच गेमिंग यहाँ पे इम्पाला के तरफ ड्रॉप लेते हुए, लॉस लियोनिस में टीम थर्ड लॉ नॉर्थ ईस्ट स्टेट जाते हुए यहाँ पे लॉस हिगोस के तरफ, यहाँ पे पेकाडो में दो स्क्वाड्स तीन स्क्वाड्स है, यहाँ पे टीम 22EX4 टीम 4 टीम D2D और यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट स्क्वाड्स, तीन टीम्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेकाडो में। यहाँ पे टीम EX4 से खेल रहे हैं क्रो, वीज, अंडेड और ग्राउल, ये लोग फिलहाल के लिए एरिना लूट करते हुए इनके नज़दीकी है। टीम नॉर्थ ईस्ट क्रू जो कैसिनो लूट करते हुए दो ही प्लेयर्स खेल रहे हैं, मॉन्स्टर और मेगला। सो बाकी दो प्लेयर शायद से आ नहीं पाए इस मैच में अभी लूट करते हुए, और इनके नज़दीकी है टीम D2D eSports जो फिलहाल के लिए फाइव स्टोरी बिल्डिंग में है पेकाडो के। इनके टीम से खेल रहे हैं वरुण, पवन और हल्क, और यहाँ पे हल्क के ऊपर शॉट्स लेते हुए हल्क थोड़ा कम एचपी में है फिलहाल के लिए। सो यहाँ पे पहला फाइट आपको पेकाडो में होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट क्रूअर्स और टीम D2D और इनके पीछे ही है, ठीक एकदम पीछे है इनके टीम EX4। सो यहाँ पे एक अर्ली फाइट देखने का मौका मिल सकता है आप सभी को। सो हेलो एंड वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यह है लेट्स फाइट कोरोना वीकली टूर्नामेंट का फाइनल का मैच नंबर 2। सो इसका प्राइज मनी है ₹800 जो कि टॉप टीम को मिलेगा सिर्फ। EX4 का टीम साइड से यहाँ पे पुश इन करने का इरादा लेते हुए, जी हाँ यहाँ पे ग्राउल अंदर आ चुका है। सो यहाँ पे वीस को हल्क नॉक करते हुए, सो यहाँ पे टीम D2D eSports भी एक ट्रेड में एक प्लेयर को नॉक करते हुए यहाँ पे ग्राउल पुशिंग कर चुके हैं टुवर्ड्स D2D eSports। यहाँ पे शायद से बरुन को फिनिश ऑफ कर सकते हैं, जी नहीं यहाँ पे वीस नॉक आउट है, उन्हें रिवाइव करना पड़ेगा जल्द से जल्द यहाँ पे। और यहाँ पे पवन को फिनिश ऑफ करते हुए, सो यहाँ पे अंडेड को नॉक करते हुए बरुन, सो यहाँ पे बरुन एंड हल्क आर द लास्ट टू गाइज रिमेनिंग। यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट कर चुके हैं, यहाँ पे अंडेड को साइड से फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बरुन, और यहाँ पे क्रो को नॉक करते हुए, सो बरुन इज द लास्ट गाइस, पीछे से स्प्रे आते हैं और D2D eSports यहाँ से एलिमिनेट होते हुए टीम EX4। यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉक थे, यहाँ पे जल्द से जल्द रिवाइव करना पड़ेगा नहीं तो टीम नॉर्थ ईस्ट क्रूअर्स यहाँ पे मूव इन थर्ड पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे उनको गन शॉट्स तो आ ही गया होगा, जी हाँ ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे, लेकिन मॉन्स्टर या फॉल डैमेज लेते हुए यहाँ पे टीम जेनरेशन जी का स्क्वाड भी फाइट लेते हुए, जी नहीं ये लोग मूव करने की कोशिश यहाँ से, इनके नज़दीकी है टीम 20 TT का स्क्वाड। यहाँ पे 20 TT का स्क्वाड जो कि जिनके टीम से खेल रहे हैं इलेक्ट्रो, पंकज, कॉन्ग और अनुराग, ये लोग फिलहाल के लिए सैन मार्टिन में है। लूच अच्छा खासा दिखाई देते हुए इनके पास, सो यहाँ पे और एक फाइट होता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ पे टीम जेनरेशन जी काफी नजदीक आते हुए टीम 20 TT के, सो देखते बाकी टीम से। यहाँ पे टीम केओ से यहाँ पे चुम्मा सेरा में उतरते हुए वेलेड एलमार में आपको उन पे एलिट नेशन का तीन ही प्लेयर्स खेलते हुए टॉक्सिक, फेडरिक और वाइल्ड होस्ट, और यहाँ पे फिलहाल के लिए लूट करते हुए सभी टीम्स यहाँ पे गाड़ी से रोटेट करने की कोशिश।
देखते हैं टीम नॉट ऑफिशियल को, ये लोग है एल आजार में इनके टीम से खेल रहे हैं लियोन, और यहाँ पे लाइव से 20 तिथि के पंकज, सो यहाँ पे फाइट हो चुका है, पंकज को फिनिश ऑफ करते हैं, सो यहाँ पे पहला नॉक और फिन होते हुए भी वक्त टीम डार्क एल पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स टीम जेड ओपी जी, नहीं यहाँ पे एक ही प्लेयर था शायद, यहाँ पे लूट करते हुए टीम नंबर 10 जिनके टीम से खेले सेकंड पोजीशन में आए थे टीम डार्क एल, और यहाँ पे दूसरे मैच के स्टार्टिंग मोमेंट्स में ही एक किल अपने नाम कर चुके हैं यहाँ पे टीम डार्क एल, तो यहाँ पे इनके टीम से खेल रहे हैं लाल SYN एलेक्स और GOG, ये लोग फिलहाल लूट करते हुए जोन के बाहर है, यहाँ पे जैन जी के टीम 20 TT के, तो यहाँ पे टीम जेनरेशन जी साइड से अभी पुश कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो और अनुरा गार्डन लास्ट 2 गाइज रिमेनिंग, देखते हैं यहाँ पे टीम जेनरेशन जी बहुत ही अच्छा फील्डिंग बिछाते हुए, यहाँ पे 2v4 का फाइट, यहाँ पे नो सोल लेफ्ट से फ्लैंक करते हुए होल करते हुए, यहाँ पे मेगला को ग्राउंड नॉक करते हुए, सो यहाँ पे इलेक्ट्रो भी नॉक होते हुए, सो यहाँ पे टीम 20 TT फिनिश ऑफ होते हुए मेगला, और यहाँ पे टीम पेकादो में यहाँ पे एक ही प्लेयर बाकी है जो कि है मॉन्स्टर, यहाँ पे मेगला को फिनिश ऑफ करते हुए टीम EX4, सो मॉन्स्टर इज द लास्ट गाय रिमेनिंग फ्रॉम टीम नॉर्थ ईस्ट क्रूअर्स, सो ये फिलहाल के लिए अपना पोजीशन होल्ड करते हुए, वी आर लेफ्ट विथ 55 प्लेयर्स एंड 15 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग, सो यहाँ पे टीम EX4 काफ़ी डोमिनेटिंग गेम प्ले स्टेजेस ऑफ द मैच, और इनके टीम से खेल रहे हैं अल्ट्रॉन पुची मिदास और टू, और यहाँ पे मॉन्स्टर को भी अनडेथ फिनिश ऑफ करते हैं, सो टीम नॉर्थ ईस्ट क्रूअर्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं इस मैच से, सो वी आर लेफ्ट विथ 54 प्लेयर्स एंड 14 टीम्स रिमेनिंग, और काफ़ी सारा अर्ली फाइट्स हम लोगों को दिखाई देते हुए इस मैच में, सो यहाँ पे 3 टीम्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं पहले जोन पहले 9 मिनट में ही, सो यहाँ पे टीम केओस यहाँ पे लूट करते हुए अपना, और इनके नज़दीकी है टीम नंबर 8 जो कि है जनरेशन जी का स्क्वाड, ये लोग अभी लूटिंग में ध्यान कर देते हुए यहाँ पे लूट अच्छा खासा दिखाई देते हुए टीम स्लेयर नेशन के पास, और देखते हैं बाकी सारे टीम्स को के ऊपर भी चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे टीम थर्ड लो आपको दिख जाएगा लॉस लियोनिस में, इनके टीम से खेल रहे सॉक गॉड किंग क्रिस और रिज्जी, यहाँ पे सीजन के वजह से शायद ये लोग किल सा, यहाँ पे लेजर 2 OP ये इनके फैब्रिक को नॉक करते हैं, सो यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम एलिट नेशन जो चलते हैं वहाँ पे फेडरिक यहाँ पे नॉक थे, सो यहाँ पे लास्ट मैच का चिकन डिनर लेने वाला टीम नॉट ऑफिशियल यहाँ से फिर से फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम एलिट नेशन, सो यहाँ पे फेडरिक को रिवाइव करते हुए टॉक्सिक, सो पे रिच टू रिच फाइट होता हुआ इस टीम को स्पॉट या वाइल्ड हॉर्स के ऊपर शॉट लेने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, यहाँ पे अच्छा शॉट देते हुए यहाँ पे लेजर 2 OP वाइल्ड हॉर्स को भी यहाँ पे टैग देने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे शॉट्स रिच के वजह से साइड से, यहाँ पे लेजर 2 OP फिर से स्पॉट करने की कोशिश प्लेयर्स को, अबे जोन श्रिंकिंग हो चुका है टीम डार्क एल अभी जोन के बाहर है, तो जल्द से जल्द उनको यहाँ पे टीम नंबर 11 और 18 के बीच लड़ाई हो सकता है, टीम 11 जो कि है टीम 69 और इनके नज़दीकी है टीम ZOP, सो यहाँ पे एक लड़ाई होता हुआ आपको दिख सकता है क्योंकि दोनों टीम काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे के, यहाँ पे टीम 69 से खेल रहे हैं रजत विशाल गोदर सीरीज NS, ये लोग फिलहाल क्रूज डेल वेल की तरफ है, और ये लोग रोटेट आउट कर रहे हैं शायद से, जी हाँ यहाँ पे पीछे से आ रहे हैं टीम ZOP, ये लोग अपना एक प्लेयर जो कि साइको ओपी को खो चुके हैं, सो यहाँ पे 3 प्लेयर्स बाकी है अभी फर्स्ट जोन देखते हैं कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पे सेंट्रलाइज जोन बनाए हैं, सो यहाँ पे सभी टीम्स को थोड़ा थोड़ा करके अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पे फिलहाल के लिए सभी टीम्स लगभग बाहर है जोन से, यहाँ पे टीम ये सो यहाँ पे टीम स्लेयर नेशन के साथ फाइट लेते हुए, यहाँ पे टीम जेनरेशन जी का स्क्वाड यहाँ पे 7 नॉकआउट है, सो जल्द से जल्द इन्हें रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जेनरेशन जी का स्क्वाड पुश इन कर सकते हैं टुवर्ड्स टीम स्लेयर नेशन,
जी हाँ, यहाँ पे 7 को बचाना मुश्किल होगा अलकायदा को देखते हैं। अलकायदा यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पे टीम जेनरेशन पे 7 ब्लीड आउट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आपको एक अच्छा फाइट देखने को मिल सकता है टीम जेनरेशन जी और टीम स्लेयर नेशन के बीच। यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड करते हुए अलकायदा यहाँ पे रायुगा को दिया रिमेनिंग। सो देखते हैं क्या 1v4 कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोटोन अपना टॉप ऑफ यहाँ पे टॉप पोजीशन होल्ड करने की कोशिश। यहाँ पे 3 प्लेयर्स खो चुके हैं टीम स्लेयर नेशन। सो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है स्लेयर नेशन को। यहाँ पे प्रोटोन इज द लास्ट गाय रिमेनिंग फ्रॉम द स्क्वाड। तो यहाँ पे अपने आप को हील करेंगे जरूर यहाँ पे प्रोटोन। तो यहाँ पे किसी भी मोमेंट यहाँ पे पुश आ सकता है टीम जेनरेशन जी का। नेट नेट उठाते हुए यहाँ पे नेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ पे नेट काफी गलत टाइम में नेट कुक किया था। और यहाँ पे शाओ वेदन नॉक हो चुके थे नेट से, लेकिन यहाँ पे नो सोल्सो सिम स्लेयर नेशन यहाँ से एलिमिनेट होते हुए। मीडू मोय ब्रो नाइस, थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। यहाँ पे टीम जेनरेशन जी के पास है टोटल 8 किल। वेलकम टू द स्ट्रीम मीडू मीडू मोय बोरुआ, आई होप यू हैव अमेजिंग टाइम हेयर। तो यहाँ पे टीम केओस के ऊपर स्प्रे लेने की कोशिश टीम नॉर्थ ईस्ट 8 का, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट 8 से खेल रहे हैं बस किल केनजी ओपी पेन ओपी एंड यंग बॉय। सो ये लोग का पहला मैच का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, तो इसमें इस मैच में अपने आप को रिडीम करना जरूर चाहेंगे यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट 8। जोन यहाँ पे जोन सिंकिंग हो चुका है सेकेंड जोन। यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाई देते हुए ओके ब्रो। यहाँ पे एक ड्रॉप आते हैं और इस ड्रॉप में आपको मिल जाएगा एक MK14 अलोंग विथ 7.62 बुलेट्स। यहाँ पे थर्ड जोन भी सिंकिंग हो चुका है। वी आर ऑलमोस्ट 17 मिनट्स इनटू द गेम एंड वी आर लेफ्ट विथ 50 प्लेयर्स एंड 13 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पे एलेक्स गेमिंग जो कि ग्रेवयार्ड में है इनके टीम से खेल रहे जेहर ओपी फ्यूरी FTW विनाश और जेनेक्स। यहाँ पे किसी के ऊपर साइड से यहाँ एक व्हीकल जाते हुए सामने से और उनके ऊपर टैप्स देने की कोशिश यहाँ पे टीम एलएच गेमिंग का, लेकिन वो शायद से यहाँ से निकल चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी दूर है वो व्हीकल। सो यहाँ पे बस किल। सो टीम नॉर्थ ईस्ट एरिया में फाइनली फाइट लेते हुए। सो वेयर इज टीम नॉर्थ ईस्ट? जी हाँ, यहाँ पे अपने टीम मेट को, लेकिन यंग बॉय उसे ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे फेडरिक यहाँ पे क्रिस को फिनिश ऑफ करते हैं। सो टीम थर्ड लो अपना एक प्लेयर खोते हुए यहाँ पे मिदास को भी यंग बॉय नॉक करते हुए। सो यहाँ पे 2 प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे शॉक बॉल यहाँ पे फेडरिक को नॉक करते हैं। सो दूसरे तरफ यहाँ पे टीम हाफ करते हैं। सो टीम यहाँ पे क्रिस ब्लीड आउट होते हुए। सो थर्ड लो अपना एक कैजुअलिटी लेते हुए पे 2 प्लेयर्स बाकी है टीम केओस से पूछी और ओगी। सो यहाँ पे उनके सामने टीम नॉर्थ ईस्ट 8 का पूरा फुल स्क्वाड। सो देखते हैं क्या ये लोग 2v4 कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे केंजी ओपी को साइड से स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे ओगी यहाँ पे पेन ओपी को नॉक करते हुए। सो यहाँ पे ओगी का पीओवी देखना जरूरी होगा। ओगी यहाँ पे पेन ओपी को नॉक करते हुए, लेकिन रिवाइव हो जाएंगे। सो यहाँ पे ओपन से पुश करने की कोशिश, लेकिन ये गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि 2v4 है और कहीं से भी स्प्रे आ सकता है। क्योंकि अगर आपको चारों प्लेयर्स का पोजीशन नहीं मालूम तो यहाँ पे शॉक गॉड टॉक्सिक को भी नॉक करते हो और फेडरिक। सो यहाँ पे एलिट नेशन का स्क्वाड थोड़ा दिक्कत में आते हुए टीम थर्ड लो अच्छा फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम एलिट नेशन। सो ये फाइट कहाँ पे हो रहा है? सो एक ही प्लेयर बाकी है यहाँ पे, वाइल्ड हॉर्स इज द लास्ट गाय रिमेनिंग। सो पुची को भी नॉक करते हुए पेन ओपी। सो यहाँ पे पुश करते हुए वाइल्ड हॉर्स टुवर्ड्स टीम थर्ड लॉस। हो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किंग काफ़ी नज़दीक है। पुची को भी फिनिश यहाँ पे तो किंग के ऊपर स्प्रे नहीं, लेकिन यहाँ पे किंग अच्छा फिनिश ऑफ करते हुए। सो यहाँ पे 2 टीम साइड से फिनिश ऑफ होते हुए। जी हाँ, यहाँ पे टीम केओस और टीम एलिमिनेशन दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हुए। यहाँ पे टीम थर्ड लॉ के पास है टोटल 3 किल्स, लेकिन ये लोग अपना एक प्लेयर क्रिस को खो चुके हैं। तो यहाँ पे टीम स्टार और टीम जेड ओपी के बीच यहाँ पे लड़ाई हो सकता है क्योंकि काफ़ी नज़दीक है दोनों टीम। यहाँ पे टीम जेड ओपी जोन के लिए रोटेशन देते हुए, ये लोग जोन के बाहर है अभी। यहाँ पे म्यूटेंट ओपी आपको दिख सकता है, उनके पीछे है टीम स्टार जो यहाँ पे
और यहाँ पे योद्धा को नॉक करते विशाल गोदर, तो टीम 69 यहाँ पे फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम नंबर 14 जो कि है टीम आर टू स्पोर्ट्स। यहाँ पे निंजा को भी नॉक करते हुए, सो दो प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं। सो ड्रैगस्टार भी काफ़ी लो एचपी में है, और यहाँ पे अक्षय, और यहाँ पे अक्षय शायद से फिनिश ऑफ हो जाएंगे। अक्षय काफ़ी लो एचपी में, जल्द से जल्द अक्षय को भी नॉक करते हैं। सो ड्रैगस्टार इज द लास्ट गाय रिमेनिंग, सो देखते हैं क्या यहाँ पे ड्रैगस्टार अपने टीम को बचा पाएंगे या खुद फॉल बैक करेंगे। यहाँ पे टीम 69 अपने लिए अच्छा किल्स निकालते हुए अपने मिनी के द्वारा टैप देने की कोशिश विशाल गोदर को, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। जो टीम आर टू स्पोर्ट्स भी अपना तीन प्लेयर्स खोते हुए, वी आर लेफ्ट 39 प्लेयर्स एंड 11 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग। और यहाँ पे चौथा जोन भी श्रिंक इन हो चुका है, प्ले जोन बढ़ते हुए सर्कल की तरफ। तो यहाँ पे फाइट का इंटेंसिटी जल्द ही इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ही जल्द काफ़ी टीम। यहाँ पे विशाल को उधर अपने आप को हील करते हुए, सो देखते हैं बाकी फाइट्स कहाँ पे होगा। और पे ऐसे यहाँ पे फॉक्सन को नॉक, कुछ टीम स्टार भी आ चुके हैं बैकग्राउंड में। सो यहाँ पे अच्छा नॉक देते हुए ऐसे यहाँ पे टीम स्टार को जो टॉप ऑफ द रीच, यहाँ पे ड्रैग स्टार को शायद से स्पॉट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश, एस इनके पास है एक M24। सो पे पेन ओपी यहाँ पे क्रो को नॉक करते हैं। सो टीम नॉर्थ ईस्ट एरिया पे फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम EX4, इनके पास है टोटल 4 किल्स, और इनके इन ये लोग अभी फाइट ले रहे हैं अगेंस्ट टीम EX4 जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखा रहे थे टुवर्ड्स द। यहाँ पे क्रो नॉक थे लेकिन रिवाइव हो चुके हैं, इनके पास है टोटल 5 किल्स। और यहाँ पे बैंडेज लगाते हुए अपने आप को हील करने के लिए इनके पीछे है टीम जेनरेशन जी का स्क्वाड। सो यहाँ पे जोन श्रिंक होता हुआ, और यहाँ पे टीम थर्ड लॉ और यहाँ पे टीम डार्केल के बीच यहाँ पे लड़ाई हो सकता है, काफी नजदीक है एक दूसरे के। टीम थर्ड लॉ और टीम डार्केल, यहाँ पे रिजी साइड से स्पॉट करने की कोशिश, काफी क्लोज क्वार्टर्स में दोनों टीम्स। यहाँ पे किसी भी मोमेंट फाइट होता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ पे 3v4 का फाइट, और यहाँ पे किंग साइड से कर चुके हैं। यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश M4 अलॉन्ग विथ 6x, देखते हैं कौन सा टीम फाइट निकालने के लिए कामयाब होता है। यहाँ पे प्री फायर देने की कोशिश यहाँ पे किंग के द्वारा, यहाँ पे फाइट होता हुआ टीम थर्ड लॉ एंड टीम डार्क एल के बीच। सो देखते हैं कौन सा टीम फाइट निकालने के लिए कामयाब होता है। और विद इन 1 मिनट यहाँ पे टीम 16, यहाँ पे ड्रैगस्टार, सो आर टू स्पोर्ट्स भी यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद लास्ट 10 टीम्स एंड 38 प्लेयर्स रिमेनिंग। और यहाँ पे टीम जेड ओपी के साथ फाइट लेते हुए टीम नॉट ऑफिशियल, यहाँ पे जाते चलते हैं सीधा वहीं पे। सो यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल और यहाँ पे इनसेन ओपी इज द लास्ट गाय रिमेनिंग। सो वेयर इज इनसेन ओपी, यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल यहाँ पे जी हाँ फिनिश ऑफ करते हुए। सो यहाँ पे एक प्लेयर नॉक थे लेकिन वो रिवाइव हो जाएंगे। यहाँ पे टीम EX4 भी फाइट लेते हुए, सो चलते हैं टीम EX4 के पास। यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉक थे, इनके एक प्लेयर फिनिश ऑफ हो चुके हैं अंदर। यहाँ पे ग्राउल भी नॉक थे, विच इज द लास्ट गाय रिमेनिंग, टीम नॉट इट है। और यहाँ पे पेन ओपी के ऊपर स्प्रे नहीं कोशिश, दो प्लेयर खो चुके हैं। यहाँ पे टीम EX4 पे जोन के तरफ जल्द से जल्द रोटेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे थर्ड लॉक के साथ भी यहाँ पे फाइट होते हुए टीम डार्क एल का। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिजी और सॉकगॉड इज द लास्ट गाय रिमेनिंग। सो देखते हैं सॉकगॉड क्या यहाँ पे क्लच कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश अपने टीममेट को। और यहाँ पे EX4 का टीम भी एलिमिनेट होते हुए बाय टीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सो टीम EX4 भी यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं। सो वी आर लेफ्ट विद 8 टीम्स एंड 29 प्लेयर्स स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पे फिफ्थ जोन भी श्रिंक इन होते हुए, यहाँ पे टीम थर्ड लॉ भी अपना दो प्लेयर खो चुके हैं। सो इनके नज़दीक ही है टीम डार्क है, और यहाँ पे एक प्लेयर के ऊपर सारे जियो जी के ऊपर स्पेल लेने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे सॉकगॉड काफ़ी लो इसमें स्मोक के ऊपर, और यहाँ पे जियो जी को नॉक करके तुरंत फिनिश ऑफ करते हुए सॉकगॉड।
पे एस ओ एन आते हुए कवर फायर के रिद्धि को ना, लेकिन यहाँ पे एस ओ एन का बहुत ही अच्छा कवर फायर और फिनिश ऑफ करते हुए पूरा थर्ड लो के स्क्वाड को, लेकिन दो कैजुअलिटी ले चुके। सो वी आर लेफ्ट टू 26 प्लेयर्स एंड 5 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग। सो देखते हैं यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल अभी भी सर्वाइव करते हुए। सो यहाँ पे जोन फेवर करते हुए टीम नंबर 10 और 15 को, जो कि एल एच गेमिंग और टीम डार्क है। सो सभी टीम्स को अभी जोन के लिए मूवमेंट देना पड़ेगा जल्द से जल्द। सो टीम नॉट ऑफिशियल अभी भी सर्वाइव करते हुए, सो इन ये लोग काफ़ी लाइकली लग रहे हैं ये चिकन डिनर, ये प्राइज मनी लेने के लिए, क्योंकि अभी भी लेकिन टीम डार्क एल अभी भी सर्वाइव करते हैं जो कि उनके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। तो देखते हैं कौन सा टीम ये प्राइज मनी लेने के लिए कामयाब होता है। टीम EX4 जो डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखा रहे थे, लेकिन वो लोग एलिमिनेट हो चुके हैं इस मैच से। सो यहाँ पे टीम 69 और टीम नॉट ऑफिशियल के बीच यहाँ पे लड़ाई हो सकता है। यहाँ पे बॉनी को शायद से रजत स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश, यहाँ पे ले मिनी टीम नॉर्थ या ओ यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट फाइट लेते हुए। सो यहाँ पे लिरिक नाइक के ऊपर मिनी के टैप्स देने की कोशिश यहाँ पे रजत के द्वारा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सो यहाँ पे टीम 69 और टीम नॉर्थ ऑफिशियल के बीच यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एट का टीम भी टीम जनरेशन जी को शायद से फिनिश अप कर चुके हैं। बॉनी के ऊपर स्प्रे लेने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सो यहाँ पे टीम 69 और टीम नॉर्थ ऑफिशियल के बीच एक लड़ाई होता हुआ दिख रहा है मुझे। सो वे लेफ्ट 22 प्लेयर्स एंड 6 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग। यहाँ पे जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। सो यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल फिलहाल के लिए सेफ खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग को सिर्फ सर्वाइव करना है, ताकि वो लोग ये यहाँ पे फिर से एक फाइट हो सकता है अगेंस्ट टीम डार्क एल। वहाँ पे एल एच गेमिंग फाइट लेते हुए अगेंस्ट टीम नॉर्थ ईस्ट एट। सो यहाँ पे टीम स्टार काफी सारा फाइट होता हुआ एक ही साथ, यहाँ पे टीम एल एच गेमिंग, फाइव टीम्स रिमेनिंग। यहाँ पे टीम डार्क एस ओ एन यहाँ पे स्पेल लेने की कोशिश, यहाँ पे टीम 69 प्ले जोन का शिकार होते हुए। सो यहाँ पे टीम 69 के ऊपर खतरा मंडराते हुए एक ही प्लेयर शायद से बाकी है। यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल फंसते हुए शायद से, क्योंकि एक तरफ है टीम डार्क एल तो दूसरे तरफ है टीम एल एच गेमिंग। सो वी आर लेफ्ट विद लास्ट 5 टीम्स, और यहाँ पे एक रीच होल करते हुए टीम नॉट ऑफिशियल यहाँ पे पेन, और सो यहाँ पे टीम नॉट ऑफिशियल के ऊपर खतरा मंडराते हुए यहाँ पे रेड नाइट के ऊपर, और यहाँ पे रेड नाइट काफ़ी ओ यहाँ पे काफ़ी लो एच पी में रेड नाइट बचते हुए। यहाँ पे नेट्स आता हुआ कंटिन्यूसली, यहाँ पे फ्यूरी अपने टीममेट को बचाने की कोशिश, दो प्लेयर नॉक थे विनाश और फ्यूरी, रिवाइव करते हुए अपने टीममेट को। सो यहाँ पे टीम नॉर्थ ऑफिशियल साइड से पुश कर देंगे, और यहाँ पे पुश करते हुए यहाँ पे रेड नाइट काफ़ी नज़दीक आते हुए। सो यहाँ पे अगर रेड नाइट स्पॉट कर ले तो यहाँ पे देखते हैं जेनेक्स का क्या, जेनेक्स से पीओवी देखते हैं। यहाँ पे जेनेक्स दूसरा एंगल ही होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट एट के साथ फाइट लेते हुए यहाँ पे एस वाई एन टीम 69 के एस को फिनिश ऑफ करते हुए। सो यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं सारे प्लेयर्स, यहाँ पे काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स में लास्ट 4 टीम्स रिमेनिंग। सो द टीम्स दैट आर रिमेनिंग आर टीम एल एच गेमिंग, टीम नॉर्थ ऑफिशियल, टीम नॉर्थ ईस्ट एट एंड टीम डार्क एल। सो देखते हैं यहाँ पे दो बेहतरीन नेट यहाँ पे बॉनी का दो प्लेयर्स को नॉकआउट कर, एल एच गेमिंग जहर की तरफ पुश करते हुए, और यहाँ पे जहर एक प्लेयर को नॉकआउट कर चुके थे, लेकिन बस किल का अच्छा सो अच्छा कवर फायर। और वी आर लेफ्ट लास्ट 3 टीम्स, द टीम्स दैट आर रिमेनिंग आर टीम नॉर्थ ईस्ट एट, टीम नॉट ऑफिशियल एंड टीम डार्क एल। सो फिलहाल के लिए जोन फेवर करता हुआ टीम डार्क एल को यहाँ पे साइड से पुश करते हुए, और यहाँ पे एस ओ एन का बहुत ही बेहतरीन नेट यहाँ पे बॉनी को नॉक करते हुए, लियोन को भी नॉक करते हुए। सो यहाँ पे एस ओ एन बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए। सो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे नॉट ऑफिशियल ऐसे एलिमेंट लेलेक्स को यहाँ पे नॉक करते हुए रेड नाइट, और यहाँ पे लेजर टू ओपी यहाँ पे स्प्रे, लेजर टू ओपी को पर स्प्रे लेने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन बचते हुए यहाँ पे रेड नाइट और लेजर टू ओपी यहाँ पे पीछे से, जी हाँ यहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी करते हैं टीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सो रेड नाइट इज़ द लास्ट गाय रिमेनिंग, और इस तरफ रेड एस ओ एन इज़ द लास्ट गाय रिमेनिंग। सो 3 टीम्स आर लेफ्ट, एंड यहाँ पे टीम नॉर्थ ऑफिशियल बीच में सैंडविच होते हैं। यहाँ पे टीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट साइड से थर्ड पार्टी कर सकते हैं टूअर्ड्स, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक चिकन डिनर निकालते हुए विथ ए
फ्रीकिंग अमाउंट ऑफ 17 किल्स सेकेंड में आए हैं टीम नॉर्थ ऑफिशियल अगेन विथ 5 किल्स, थर्ड में आए हैं टीम डार्क एल विथ 5 किल्स, फोर्थ में टीम एल एच गेमिंग विथ 3 किल्स, फिफ्थ में टीम 69 विथ 5 किल्स, सिक्स में टीम स्टार विथ 1 किल, सेवन में टीम जेनरेशन जी विथ 8 किल्स, एट में टीम थर्ड लॉ विथ 5 किल्स, नाइन्थ में टीम ई एक्स फोर विथ 5 किल्स एंड टेंथ में टीम जेड ओ पी विथ 0 किल्स. सो हेयर द टॉप 10 ऑफ मैथ्स टू गाइज. सो आई होप यू गाइज एन्जॉय द स्ट्रीम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू टीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर द चिकन डिनर. सो देखते हैं हम अभी सारा दोनों मैच का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट आप लोगों को ग्रुप में पता चल जाएगा. सो देखते हैं कौन सा टीम जो चिकन डिनर निकाल कौन सा तो वो टीम है जो ये टूर्नामेंट जीतने के लिए कामयाब होता है. सो वो हम लोग पता लगा लेंगे जल्दी. सो वो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा. एनीवेज वी हैड एन क्वाइट एन इंटेंस वीक एंड इंटेंस वीक ऑफ गेम प्ले वेयर देयर आर न्यूमरस फाइट्स, न्यूमरस विनर्स एंड न्यूमरस इंटेंस गेम प्ले. सो आई होप यू गाइज एन्जॉय द स्ट्रीम. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही. सो मिलते हैं कल और एक नए स्ट्रीम और शायद एक नए टूर्नामेंट के साथ. टिल देन आई एम फ्लैग गेमिंग साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक. बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइज.